हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आगे अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आप लोग को तो पता ही है, मैंने हर ब्लॉग में बताया हुआ है कि 3-4 दिन से बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना कपड़े सूख पा रहे हैं ना कुछ हो पा रहा है। मैं भी अभी नहा वहा के आ गई हूँ और उसके बाद चल रही हूँ खाना बनाने। कि बच्चों को खाना होता है ना, छोटा बाबू भी है और बच्चे भी है, दोनों को दाल बहुत पसंद होता है। यहाँ पे दाल बनाऊंगी, तो बस चल रही हूँ बनाने के लिए। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जोर की रिक्वेस्ट है कि चैनल पर मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज पता नहीं कि कैमरा टिक ही नहीं रहा, इधर 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 गड़बड़ तड़बड़ कर ही रहा है। तो तबीयत भी नहीं ठीक है, मौसम भी नहीं ठीक है, पता नहीं क्या हो गया यार। मेरा फीवर ही नहीं छोड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि इस बार कौन सा फीवर लग गया मुझे। सच में ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं भैया? रात को खा रही हूँ, मतलब कल मैं बता दूँ, मेरे दादाजी थे, मतलब मेरे जो मेरे सगे दादाजी, मेरे रियल के दादाजी, उनके छोटे भाई, वो भी मेरे छोटे दादाजी ही हुए। उनकी कल डेथ हो गई थी, एक्सपायर कर गए थे। फिर हम वहाँ पे चले गए थे, वहाँ से हम आए तो काफ़ी लेट हो गया था, मतलब तो हमारा खाना पीना भी काफ़ी लेट हो गया था। खाना तो जो भी था बना बुला के गए थे अपना, लेकिन खाने में मुझे साढ़े 3-4 करीब हो गया। फिर खाना खाया ही नहीं गया। और मम्मी के यहाँ से आया था ढेर सारा दूध, तो दूध ना, फिर मैंने सोचा कि इतना दूध करेंगे क्या। फिर मैंने बना के बच्चों को दे दिया, वो भी मैं नहीं खाई क्योंकि मुझे शाम को बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं है। और इस टाइम फिर मैंने सोचा कि अगर दाल ही बनाऊंगी तो मुझसे दाल तो बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो मैंने सोचा 1-2 आलू कट कर लेती हूँ और थोड़ी सी उसमें सोयाबीन डाल के भुजिया बना लूँगी। बस वही चल रही हूँ बनाने के लिए। और दाल भी मैंने यहाँ पे छौंक लगा दी है, चावल भी चढ़ा दिए, चावल हो गया है अभी, और दाल को रख दिया थी यहाँ पे। छीन किसी को बनाऊँगी सब्जी, और किस तरह से बनाती हूँ आप लोग की तरह तो नहीं खाती। जाओ भैया पढ़ रहा है, जाओ हमारा डेली का रूटीन है जो कि जाती है, सब कुछ आप से शेयर करती हूँ, ठीक है कि नहीं। तो फिर मैं करने जा रही हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किया क्योंकि कल लेट हो गया था, एक तो तबीयत भी नहीं ठीक, फीवर फीवर था। तो फिर मैंने सोचा कि कल नहीं वॉश किया, फिर एक बार सुबह नहा के गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद भी नहाया हुआ है अपना। यहाँ पर ये देखो कराई दिए तो मैंने डाल दिया है, तेल खत्म हो गया हमारे यहाँ पे। ये रिफाइन के पास चला रहे हैं, सोयाबीन कितनी सही सब्जी बनाएंगे, सोयाबीन से सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पे ये एक पूड़ी चूड़ की डाला मसाला, ठीक है, क्योंकि और मसाले सब कुछ भी है नहीं। ये नमक, ये हल्दी, बस इतना गर्म कराई चावल मिलाने के बाद हम यूज करके मिला के घर के पकाएंगे और उसके बाद फिर करके चल रहे, ठीक है। कोई नया तरीका नहीं है यार, सब लोग जैसे बनाते हैं चावल भी बनाते हैं, कुछ लोग और बढ़िया तरीके से बनाते हैं। ये उनके पास सब कुछ सामान होता है, फट हमारे पास जो भी उसी से मतलब काम चलाते हैं, क्या करें। आगे वीडियो आप लोग देखिए, ये है मौसम का कुछ इस तरह से हाल, क्या हो रहा है देख सकते हो, इतना मौसम खराब। ये यहाँ पे बन रही है हमारे सामने नई बिल्डिंग, ये हमारे प्यारे पति देव जी देख लीजिए, जो कि अपनी एक्स
एक्स क्या, एक्स तो मैं ही हूँ, मुझे एक्स बना के रख दिया इन लोगों ने, अपने प्रेजेंट जीएफ के साथ लगे हुए हैं फोन पे। जीएफ क्या कुछ दिन में वाइफ भी बनने वाली है, जो भी होगा सब कुछ आप लोग सामने आएगा। तो वहाँ पे लगे हुए हैं, मैंने कहा चलो आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। आइडिया कॉल चल रही है कि वीडियो कॉल, ये मुझे नहीं पता।